नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। ये सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली के ठीक बीचों बीच अपना हस्ताक्षर छोड़ के जाने के लिए व्याकुल है। ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी ये सड़क, जिसे कॉलोनियल पीरियड में किंग्स वे कहा जाता था, उसके आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से परिवर्तित किया जा रहा है। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। उस वक्त 5 बिल्डिंग्स पूरे हो चुके थे और उनके सराउंडिंग्स भी। वाइसरॉयज हाउस, जिसको अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, the two secretariats, north and south blocks, the council house, now the parliament house, not going to be the parliament house for long because the new building is coming up, the record office, now the National Archives, and the All India War Memorial, which is now very popularly known as India Gate. वक्त के साथ राजपथ और इंडिया गेट से हिंदुस्तानियों का अटूट संबंध डेवलप हो गया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, पिकनिक मनाने की जगह, या फिर शाम को परिवार के साथ एक आइसक्रीम या फिर चाट पकोड़े खाने के लिए जगह। एक अटूट सा कांस्टेंट रिश्ता रहा बिटवीन स्पेस एंड सिटीजंस। इन रिश्तों का अब क्या होगा? क्या ये बरकरार रहेंगे? कुछ हमें नहीं पता इसके बारे में। There is very little transparency over the complete plans of Central Vista. What all will it comprise of? Who all will have access and importantly to what? अंग्रेजों ने नई दिल्ली बनाई थी। इस सरकार ने न्यू इंडिया के सपने दिखाते दिखाते हमें यहां तक ले आई। अब क्या ये सरकार एक नई दिल्ली बनाना चाहती है? जाहिर सी बात है, कई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स डिमोलिश होंगे। इनके बारे में बहुत फेज्ड मैनर में डिस्क्लोजर्स हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नेशनल आर्काइव्स के बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। पैंडेमिक पीरियड में इंफॉर्मेशन आपको उतनी ही मिलती है जितना सरकार देना चाहती है। ऑन जनवरी 15, 2021, the Ahmedabad-based firm HCP Design Planning and Management Private Limited, the designer of the Central Vista project, disclosed that although the original National Archives building is not going to be touched, the annex portion would be removed and a new building will come up in its place. Hardeep Singh Puri, Union Minister of Housing and Urban Affairs, ने फरवरी में राज्यसभा में आश्वासन दिया था, कोई हेरिटेज बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी मीडिया में रिपोर्ट्स आती रही, आर्काइव बिल्डिंग की रिफर्बिशिंग की जाएगी। किस तरह से होगी रिफर्बिशिंग? पिछले सप्ताह पूरी ने आर्काइव्स के ओरिजिनल बिल्डिंग का ना डिमोलिश होने की बात फिर से दोहराई। The worry about the main building is primarily due to architectural reasons, that it is a heritage building, that it will complete 100 years of existence in just a few years. But the real fear is because of the historical and archival material that are kept in the annex building, and these are due to be demolished very soon. कहाँ रखे जाएंगे ये documents, manuscripts or records? Will they remain safe or will they be reviewed and weeded out? देश विदेश के बहुत स्कॉलर्स जो इन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को लेके जो अनसर्टनिटी है, उसको लेके चिंता व्यक्त की है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के समय तक लगभग 5000 सिग्नेटरीज हो चुके थे इस स्टेटमेंट पर। द स्टेटमेंट रेजेस मेनी कंसर्न्स, मोस्ट सिग्निफिकेंटली दैट if removal of archival material is unavoidable, then certain procedures are urgently required to build public confidence. It also asked for a National Commission on Public Records with eminent scholars, archivists, preservationists, members of civil society and the civil servants as its members. कनेडियन हिस्ट्री एसोसिएशन ने भी स्टेटमेंट जारी किया है, कहा है द डिसीजन टू गो अहेड विद ए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जियोपोटाइजेस द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ अ नेशन। कई सवाल उठते हैं, टेम्पररी आर्काइव्स कहां रखे जाएंगे? क्या विद्वान और आम जनता इन टेम्पररी आर्काइव्स को एक्सेस कर पाएंगे? इस प्रक्रिया का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म की अगर डैमेज या नुकसान हो तो इसके लिए कौन होगा जिम्मेदार? नेशनल आर्काइव्स अकेली बिल्डिंग नहीं है जो हमारे विरासत और इतिहास की स्टोर हाउस है जिन्हें डिमोलिश किया जा रहा है। The National Museum और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स भी हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। So what is this National Archives and what is its history? It is extremely ironical that crores of people must have crossed past this building, which is right there on Janpath, without really being aware कि इसमें क्या है, क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, हर कोई इसके बारे में क्यों चिंतित है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भारत सरकार और उसके नागरिकों के इतिहास के एंड्योरिंग इंपॉर्टेंस के जो रिकॉर्ड्स हैं उसका संरक्षक है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 में कोलकाता में की गई थी। तब उस समय इसको इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कहा जाता था। इसको आजादी के बाद रीनेम किया गया। नई इमारत 1926 में जाके तैयार हुई थी। 1937 तक सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो पाए थे धीरे धीरे। अनुमान है इस नेशनल आर्काइव्स के कलेक्शन में करीब 45 लाख फाइल्स, 25,000 रेयर मैनुस्क्रिप्ट्स, 1 लाख से भी ज्यादा मैप्स और ट्रीटीज, लगभग 3 लाख प्री मॉडर्न दस्तावेज और हजारों प्राइवेट पेपर्स रखे हुए हैं। नेशनल आर्काइव्स का एक रीजनल ऑफिस है भोपाल में और 3 रिकॉर्ड सेंटर्स हैं भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी में। The archive holds a vast corpus of public records, private papers, oriental records, cartographic records and microfilms. These are an invaluable source for academics, but its administration remains chiefly in the hands of administrators or IAS officers. दिवंगत इतिहासकार मुशीरुल हसन मई 2013 में डायरेक्टर जनरल के तौर पे रिटायर किए थे। उसके बाद से सारे के सारे डीजीज करियर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। शायद इसी वजह से रिकॉर्ड्स के प्रति उनका इतना कैजुअल अप्रोच रहा है। पब्लिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। नागरिक तक रिकॉर्ड्स का एक्सेस देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर रिकॉर्ड्स को कोई सरकार सुरक्षित नहीं रखना चाहती है तो इसका मतलब होता है वे अतीत की एक अलग कल्पना जनता के दिलों में इंस्टिल करना चाहती है। नेशनल आर्काइव्स के एनेक्स बिल्डिंग के डिमोलिशन से इतिहासकारों का आशंका के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। हम सब जानते हैं किस तरह से इस सरकार ने पिछले कुछ सालों में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसको पॉपुलरली तीन मूर्ति भवन कह के रेफर किया जाता है, उसकी छवि और उसका चरित्र किस तरह से बदलने की कोशिश की गई है। बट द गवर्नमेंट फॉरगॉट that you can minimize the public space of Nehru, but you cannot remove him from the national consciousness. National Archives पर non-transparent होना इस सरकार का इतिहास के प्रति जो एटीट्यूड है वो दर्शाता है। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ICHR रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी। कहा गया था इतिहास मात्र एविडेंस बेस्ड नहीं रहेगा। ये बात सही है, जिसको हम एविडेंसेस के आधार पर इतिहास मानते हैं उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होती हैं, कम्युनिटीज की, सोशल प्रोसेसेस के। अब सोचिए, जब कभी हिंदुस्तान के कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या माइग्रेंट्स, डेली वेज अर्नर्स, होमलेस लोगों की जिंदगी वो कैसे इंपैक्ट हुई, इसका क्या पूरा डेटा या इंफॉर्मेशन मिलेगा? उनका इतिहास तो तब लिखा जाएगा जब अगर फ्यूचर हिस्टोरियंस इस पीरियड के उनको एम्पैथिकली देखेंगे, नॉट डिपेंड ओनली ऑन रिकॉर्ड्स एंड डेटा। सोशल साइंटिस्ट हिलाल अहमद ने नेशनल आर्काइव्स पे जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है इस मुद्दे पर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने नेहरू जी को कोट किया है। बात दरअसल 1949 की है और राष्ट्रीय आंदोलन का एक डेफिनेटिव हिस्ट्री लिखने की बात चल रही थी। उन्होंने कहा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल हु विल बी put in charge of the work. This requires at least two qualities. One is an emotional and intellectual appreciation of what has taken place, and the other is a high literary ability. It seems to me that the first step is to collect material. कोई शक नहीं, हिंदुत्व के proponents हिंदुस्तान के इतिहास के एग्जिस्टिंग वर्जन्स से नाखुश हैं। उनको ऐसा इतिहास चाहिए जिससे हिंदू विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स को प्रमोट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उनका एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री से पूरी तरह से परहेज है। अब राम मंदिर की ही बात लीजिए, उस आंदोलन का। पहले वे कहते थे कि हम साबित करेंगे कि बाबरी मस्जिद के ठीक नीचे ही राम जी का मंदिर था। जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने अयोध्या की एंटीक्विटी को लिमिट कर दिया तब कहा राम इज अ मैटर ऑफ फेथ, नीड नॉट बी प्रूव्ड। फिर कुछ वर्षों बाद कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया उस साइट पर फिर एक्सकवेशंस कीजिए। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर्स मिले तो फिर उस एविडेंस के बेसिस पर कहा देखिए ये है प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कोई सबूत नहीं है कि उन मंदिर टाइप स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई थी। हिस्ट्री डिड नॉट प्रूव अ डेफिनेट आंसर, बट द टेम्पल इज स्टिल कमिंग अप एक्सट्रीमली आयरॉनिकली। खैर छोड़िए इस बात, इतिहास क्या है, इस मुद्दे पर बहस बहुत वर्षों से हो रही है स्कॉलर्स के बीच में। E.H. कार, जिनकी बहुत प्रसिद्ध किताब व्हाट इज हिस्ट्री 1961 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने लिखा स्टडी द हिस्टोरियन बिफोर यू बिगिन टू स्टडी द फैक्ट्स। एनी अकाउंट ऑफ द पास्ट इज रिटन largely to the agenda and social context of the one who is writing it. इससे मिलती जुलती बात हिंदुस्तान के वरिष्ठ सामाजिक चिंतक आशीष नंदी ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि the present and the future also shape द पास्ट। इतिहास कैसा भी लिखने के लिए नेहरू ने जैसे पहले कहा था कि द फर्स्ट मस्ट इज मटेरियल, दैट इज व्हाई द सेफ्टी ऑफ द नेशनल आर्काइव्स अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। नमस्कार।